इधर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जान से मारने की धमकी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस की तरफ से ये धमकी दी गई है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये धमकी दी है, भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन ना करने को कहा गया। इस धमकी में कहा गया है कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल में संत भिंडरांवाले के बैनर और पोस्टर बैन किए थे, और यदि यही रास्ता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपनाया तो उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिमाचल पंजाब का हिस्सा है और शिमला खालिस्तान की नई राजधानी बनेगी। तो ये बड़ी खबर आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव के परिणाम सामने आए, नई सरकार बनी है, कांग्रेस अभी सत्ता में है, अब ये धमकी यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिली है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, सिख फॉर जस्टिस की तरफ से ये धमकी दी गई है। तो ये बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी इसमें जिक्र है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को जान से मारने की धमकी, सिख फॉर जस्टिस की तरफ से ये धमकी दी गई है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये धमकी दी है, भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन ना करने को कहा गया है, और इस धमकी में कहा गया है कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल में संत भिंडरांवाले के बैनर और पोस्टर बैन किए थे, और यदि यही रास्ता सुक्खू अपनाते हैं तो उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिमाचल पंजाब का हिस्सा है और शिमला खालिस्तान की नई राजधानी बनेगी। तो एक बार फिर से खालिस्तानी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिली है, और हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को ये धमकी यहाँ पर दी गई है। तो सिख फॉर जस्टिस की तरफ से ये धमकी दी गई है, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह धमकी दी है। तमाम बातों का जिक्र है, हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, जहां पर ये भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र है। कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन ना करे, जो रास्ता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनाया था, अगर वही रास्ता नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनाते हैं तो उन्हें इसके लिए इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे शिमला ब्यूरो, प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक तरह से देखा जाए तो बेहद बड़ी खबर है ये, खालिस्तानियों की राजधानी बनेगा शिमला, हिमाचल प्रदेश, ये तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर गुरपतवंत सिंह, और सिख फॉर जस्टिस की तरफ से ये धमकी दी गई है। क्या कुछ कहा गया है इसमें, और इस धमकी के बाद क्या कुछ एक्टिविटी? हाँ बिल्कुल, देखिए एक तरह से सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश हमेशा से ही गुरपतवंत सिंह पन्नू करते आए हैं, जो खालिस्तानी मुद्दे पर, जो सिख फॉर जस्टिस संस्था है उसके ये नेता हैं। तो ऐसे में कई बार पहले भी हिमाचल में मुख्यमंत्री को धमकियां दी जाती रही है। पूर्व में जयराम ठाकुर बतौर मुख्यमंत्री जब हिमाचल के थे, तब उनको भी मुख्यमंत्री के तौर पर ये धमकियां दी जाती रही है। कभी ये कहा कि आप 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराएंगे, कभी ये कहा कि आप 26 जनवरी को झंडा नहीं फहराएंगे। तो ये तमाम तरह की धमकियां पहले भी दी जाती रही है, और अब नई सरकार है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनको निशाने पर लेने की कोशिश यहाँ पर की गई है। हालांकि इतना जरूर है कि पहले भी गुरपतवंत सिंह पन्नू को ज्यादा सीरियसली हिमाचल में नहीं लिया गया है, लेकिन अब जिस तरह से धमकियां देने का ये सिलसिला शुरू हो रहा है, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कहा गया है कि जो भारत जोड़ो यात्रा जिसका रूट हिमाचल से भी अब है, 19 तारीख को इंदौरा में हिमाचल को टच करेगी, तो उसमें उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए, अगर शामिल होते हैं तो उनकी पॉलिटिकल डेथ होती है। ये एक तरह से यहाँ पर बात कही गई है, बाकायदा वीडियो मैसेज जारी किया गया है, शिमला बेस्ड जो पत्रकार हैं, बाकी जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको मेल की गई है बाकायदा, और कुछ के व्हाट्सएप पर भी मैसेज जो है इस तरह के भेजे गए हैं, और ये धमकी भरे मैसेज जो है भेजे गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई इस पर रिएक्शन नहीं आया है, हालांकि पूर्व में जो पुलिस की तरफ से एक्सरसाइज की जाती है, पिछली बार हमने देखा जब इस तरह की धमकी आई थी तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की थोड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन बाद में इस पूरे मैटर को सीरियसली नहीं लिया गया इस तरह की धमकियों को। हालांकि खालिस्तान समय समय पर इस तरह के हथकंडे जो है हिमाचल में अपनाता रहता है, धर्मशाला में हमने देखा कि रात को वहां पर जो भिंडरांवाला के झंडे लगे हुए थे, खालिस्तान के झंडे लगाने की पिछले पूर्व सरकार में कोशिश हुई है, और भी जो है अलग अलग जगह पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए हैं, लोगों इस तरह के लिखे जाते रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई भी पूर्व में हुई है, इस तरह के कुछ लोग पकड़े भी गए थे, लेकिन जिस तरह से एक नई तरह से ये धमकियां देने का, ईमेल के जरिए धमकियां देने का सिलसिला अब शुरू हुआ है, इस पर हम जरूर कह सकते हैं कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तो अलर्ट पर होंगी ही, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री क्या रिएक्शन देते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।
उसे कोर्ट जस्टिस की तरफ से ये धमकी दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। पूर्व सरकार में भी इनकी तरफ से धमकी दी गई थी, तो वैसे में मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा उस वक्त बढ़ाई गई थी। अब नए मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस की सरकार है। देखना होगा कि अब क्या कुछ कदम इसे लेकर उठाए जाते हैं।